हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एच मींस लाइफ। मैं हूँ कसीला मींस और अभी देखिए मॉर्निंग का समय हो रहा है और मेरे किचन के जो हैं वो सारे काम अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना। तो नाश्ता में मैंने हलवा और रोटी बनाया हुआ था, सूजी का हलवा बनाया था बहुत ही सिंपल से। तो इसी के लिए मैंने आपको वो रेसिपी शेयर नहीं की। और किचन मैंने क्लीन कर दिया हुआ है और मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, मतलब झाड़ू पोछा सारा हो गया है। लेकिन एक होता है ना, झाड़ू करने के बावजूद भी बच्चे लोग ना कुछ ऐसे मतलब ये कर देते हैं, गिरा उड़ा देते हैं। तो वही मैं बस ये हल्का सा झाड़ू कर ले रही हूँ। और अभी जो है सोनल का स्कूल खुल गया है, मतलब ऑनलाइन क्लास ही हो रहे हैं, लेकिन ना वो अभी 7th क्लास में है। तो हालांकि स्कूल में स्टूडेंट लोग को 9th टू 10th बुलाया जाता है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों लोग को बीच बीच में उनके नोट्स चेक करने के लिए बुलाया जाता है। तो वही सोनल को अभी मैं उसके स्कूल छोड़ दूँगी। और यहाँ पे हम लोग अभी 3 ही कोई हैं, तो अभी हम लोग सबको जाएंगे ताला वाला लगा के। और बाबू को ना मतलब ऐसे घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी मतलब कोरोना के जस्ट मतलब अभी थोड़ा बहुत उतना सुनने को नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे रेगुलर मतलब क्या हो रहा है ना, बच्चों के स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम लोग अब अपने पुराने रूटीन में आ रहे हैं। और बाकी सबको भी आपको भी अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे ही सही। और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, खासकर बच्चों के स्कूल कॉलेज के मतलब पढ़ाई को लेकर ना बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे शायद हो सके तो हो पाएगा ये इसका भरपाई अब। लेकिन अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं ना, तो अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ अब मतलब पुराने रूटीन में हम लोग जा रहे हैं। अरे, और जो हम लोग का लाइफ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अभी देखिए अभी मॉर्निंग का समय है ना, तो दुकान वगैरह भी उतने खुले हुए नहीं है, और खुले भी थे तो जो ज़्यादातर जो राशन वाले दुकान होते हैं ना वही सब खुले हुए। सोनल का स्कूल है ना वो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर वो पैदल आती है तो करीब उसको 30 या 25 मिनट लगते हैं, और गाड़ी से तो हम लोग तुरंत ही पहुंच जाएंगे, और 5 मिनट जैसे लगता है। लेकिन मैं उसको ना पूरा स्कूल तक उसके नहीं छोड़ने वाली हूँ, उसको मतलब रोड तक ही छोड़ दूँगी। उसके बाद वो करीब 5 मिनट का फिर रास्ता बचेगा तो फिर वो चली जाएगी। थोड़ा सा अंदर है मतलब स्कूल, और वैसे भी स्कूल सब ना मतलब रोड के मतलब थोड़े से साइड में ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे उसके दोस्त वगैरह भी मिल गए थे, तो फिर उसने कहा कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, तो फिर इसलिए हम लोग उसको यहीं पे छोड़ के फिर चले जाते हैं। और फिर बाकी के भी मुझे काम कंप्लीट करने थे, काफ़ी कुछ काम मैंने छोड़ के आया हुआ था, और क्योंकि अभी फिर से अब लंच का तैयारी करना है, प्लस सोनल 12 बजे तक आ जाती है, तो उसके लिए फिर खाना वाना मतलब 12 बजे तक कोशिश करती हूँ कि बन के रेडी रहे, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल से आने के बाद उनको भूख लगती ही है, और भूख लग रही है दोपहर में वो लोग आ रहे हैं, तो खाना वाना रेडी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, वो लोग खाना ही खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी उसको छोड़ के हम लोग मैं जो है घर पहुँच गई हूँ। और आप लोगों को पता है हम लोग 3 ही कोई रहते हैं, तो कहीं भी जाना होता है ना, तो हम लोग अगर साथ में जाते हैं तो भी हम लोग को ताला लॉक करना ही होता है। और इसी के लिए मैं ज़्यादातर कहीं जाती हूँ ना, तो उन लोगों को कहीं ले के नहीं जाती हूँ, नहीं तो फिर हमें भी ताला लॉक करके रखना पड़ता है, और अच्छा नहीं लगता है घर में ऐसे मतलब ताला लॉक रहेगा तो छोटा छोटा काम के लिए। और यहाँ पे देखिए अभी मेरा जो है नहा वहा के मैं रेडी हो गई थी, मतलब नहा लिया था मैंने, और अभी मैं लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह अभी तक नहीं किया हुआ है, बस मैं नहा वहा के मतलब सब्ज़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे हलवा के साथ रोटी मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आज देखिए मैंने रात में जो है चना और मटर को भिगो के रख दिया था, तो आज मैं आप लोग के साथ झारखंडी स्टाइल में घुघनी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से करने वाली हूँ। आपको कोई भी ज़्यादा तैयारियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं ना उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो उनका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब ऐसे चना मटर की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, और कई जगह आपको मिल जाएगा बिहारी स्टाइल में घुघनी की सब्ज़ी, यूपी स्टाइल में घुघनी की सब्ज़ी, लेकिन ये जो आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ देख सकते हैं मैंने मस्टर्ड ऑयल में प्याज मिर्च को भून के उसके बाद टमाटर डाल दिया था। टमाटर को पकने के बाद यहाँ पर मैंने चना मटर जो कि रात भर मैंने भिगो के रखा था
वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चला दूँगी। नमक वगैरह मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा नमक जो है बिल्कुल अच्छा परफेक्ट इसका स्वाद आए। और जो हल्दी है इसलिए मैंने पहले डाल दिया क्योंकि इससे इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको ढक के करीब 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। तब तक हम लोग कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ जो है मैं मसाले में ले रही हूँ जीरा, धनिया, काली मिर्च और फिर लहसुन। मिर्च मैंने ऑलरेडी है ग्रीन मिर्च डाल दिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे कोई भी मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद इसको हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना देना है, हम लोग का जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मसाला हम लोग का रेडी है। तो मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, कलर के लिए है, ये उतनी ज़्यादा तीखी नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ये घुगनी है वो भी फ्राई हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। इसमें इसका जो मतलब जो महक है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था और इसको हम लोग ऐसे भी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया हुआ था उसको, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और करीब 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी मिक्स करके अच्छे से मतलब ढक के छोड़ देना है ताकि हमारा जो मसाला है वो उसका फ्लेवर पूरे चने में पूरा मिल जाए, चने मटर में, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं, आपको जितनी पानी चाहिए, और इतना पानी लेकिन ज़रूर डालना है आपको ताकि हमारा जो चना और जो मटर है वो ईज़िली पक जाए। चना उतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन मटर भी मैंने डाला है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसीलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पानी दिया है। और हम लोग इसको चावल के साथ भी खाएंगे इस वजह से भी। तो यहाँ पे सीटी लगा देना है करीब 3 से 4 और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत से तरीके हैं ये सब्ज़ी बनाने के, जैसे बहुत कोई क्या कहते हैं ना बॉयल करके फिर कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये, लेकिन इस तरह से आप बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल ये एक मतलब तुरंत ही रेडी हो जाएगा। और ये जो देख सकते हैं आप इसको, हमारा जो घुघनी का सब्ज़ी है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, चना मटर की घुघनी, या तो चना मटर की सब्ज़ी बोल सकते हैं या चना मटर का छोला सब्ज़ी बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरा जो है जो चना है घुघनी सब्ज़ी वो बन के रेडी हो चुका था। तो यहाँ मैं अपने लिए रोटी बना ले रही हूँ और मैंने बच्चों को लिए ही सिर्फ बनाई थी रोटी, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रोटी बना देती हूँ क्योंकि क्या होता है ना शाम होते होते बच्चों को फिर से भूख लगने लगती है तो फिर हम लोग ऐसी ही इसी रोटी को गर्म करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो घुघनी सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका स्वाद। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे रेसिपी कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज का ब्लॉग जो है मेरा यही तक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।